आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का स्पा सेंटरों के खिलाफ अभियान जारी है। मालीवाल जिसमें फरोशी के धंधे में शामिल इन स्पा सेंटरों पर लगातार रेड डाल रही हैं और उनका पर्दाफाश कर रही हैं। 4 सितंबर को दिल्ली के नवादा के 2 स्पा सेंटरों में छापा मारने के बाद मालीवाल ने 5 सितंबर की शाम उत्तर नगर का रुख किया, जहां बड़ी संख्या में स्पा चल रहे हैं। उन्होंने यहां क्राउन स्पा पर रेड डाला तो यहां भी वही सब होता मिला जो नवादा के 2 स्पा में पाया गया था। हमको बताया गया कि नवाडा में एक जैस्मिन स्पा है जहां जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। हम वहां पे गए और हम बिल्कुल हैरान रह गए जो हमने वहां पे देखा। हमने देखा कैसे एक स्कूल की छात्रा को एक बंद कमरे में 2 नंगे आदमियों के साथ रखा गया था और उसके साथ गलत करा जा रहा था। उनको हमने वहां पे पकड़ा, लड़की को हमने बचाया। साथ ही वो जो लड़के थे, जब उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने हमें बताया कि ये तो सब जगह चल रहा है, पूरे नवाडा में चल रहा है। उन्होंने और भी स्पा के नाम दिए। दूसरा स्पा जब हम वहां पे पहुंचे, जो जन्नत स्पा है, वहां पे कई सारी लड़कियां थी और एक एक कमरे में हर लड़की किसी ना किसी नंगे आदमी के साथ वहां पे पकड़ी गई। खूब सारे कॉन्डोम्स पकड़े गए हैं और भी ज्यादा आपत्तिजनक सामान वहां से पकड़ा गया और सब ने, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो जो लड़की है जिसको इस धंधे में धकेला गया है, चाहे वो कस्टमर हो, सब ने माना कि यहां पे एक बहुत ही बड़े स्केल पे सेक्स रैकेट चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही टीम क्राउन स्पा के अंदर घुसी, वहां हड़कंप मच गया। स्वाति मालीवाल ने जब एक कमरे का दरवाजा खोला तो वहां बिना कपड़े के एक युवक और युवती मिले। हैरान परेशान युवती भागती दिखी, लेकिन युवक नंगे ही वहां खड़ा रहा। युवक को जब कहा गया कि ये क्या बेशर्मी है तो उसने कपड़ा पहनना शुरू किया, लेकिन इस दौरान वो कैमरे के सामने बिना डरे खड़े रहा। छापेमारी में यहाँ भी कॉन्डोम और कई आपत्तिजनक सामान मौजूद मिले। न्यूज़ डेस्क।